दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कैप्टन संतोष शर्मा द चीफ हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्स मुंबई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हायर एजुकेशन में बड़े बदलाव को लेकर धर्मशाला में आज बड़ा मंथन हुआ। इस मंथन की अध्यक्षता केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने की, जिसमें उत्तराखंड राज्य समेत दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुलपतियों और उच्चतर शिक्षा विभाग हिमाचल व अन्य राज्यों के अधिकारियों ने शिरकत की। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनकी ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया गया है, जिसके तहत तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसमें एक्सेस, क्वालिटी, वर्क समेत फ्यूचर रेडनेस को मद्देनजर रखा गया है। इस शिक्षा नीति का मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, साथ ही छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब ये चर्चा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली में हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में कैसे हो, तो मंथन के बाद ऐसा तय हुआ था कि पूरे इंडिया को, पूरे देश को उन्होंने तीन जोन में डिवाइड किया था, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 में 3 रीजन बनाए जिसमें 12 स्टेट्स थी, जोन 2 में 3 रीजन बनाए जिसमें 12 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट और यूटीज। इसी तरह से जोन 3 में भी 3 रीजन बनाए हैं। ये थर्ड रीजन की हुई थी, तो हमने एक परफॉर्मा डेवलप किया है और परफॉर्मा जो डेवलप किया है उसमें मेन जो 3 थीम लिए हैं, पहला एक्सेस है, दूसरा क्वालिटी को लेकर के है, तीसरा फ्यूचर रेडीनेस को लेकर के है। क्योंकि ये हम सबको पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के, यानी कि पूरे भारत वर्ष में यूनिफॉर्म पैटर्न पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक स्टूडेंट को सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए किस तरह की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने, उस चीज पे फोकस दिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, जब हमने पीछे वर्चुअल मीटिंग की थी तो उसमें हर स्टेट के जो हैं सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, वो सम्मिलित हुए थे। अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी तो उसमें भी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के रोहित कंसल जी, वो सम्मिलित थे और बाकी स्टेट्स के थे। आज जो मीटिंग हुई है उनके हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, J&K से, उत्तराखंड से, लद्दाख से और हिमाचल से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं स्टेट गवर्नमेंट के। आज हमने पूरा दिन ये मंथन किया है कि इन तीनों थीम को लेकर के, इनके अंडर जितने सब थीम है, जितने एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको लेकर के अभी तक हर स्टेट ने कितना काम किया है, वो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी, इन्फॉर्मेशन इन्होंने भेजी थी, हर स्टेट ने भेजी थी, वो इन्फॉर्मेशन पे आज चर्चा हो रही है, कहाँ गैप आ रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो गैप आया है एक कंसेप्ट नोट बनेगा, ये कंसेप्ट नोट आइडेंटिफाइड आफ्टर जो गैप है उन गैप को हम फिलअप करते हुए हम एक कंसेप्ट नोट बनाएंगे। कंसेप्ट नोट में ये आएगा कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन उनके जहन में है जो उनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर रोड मैप हर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहने वाला है इसको लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्रॉम दिस अकेडमिक सेशन 2022, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है कुछ एक रह गया है, वो हमारा एम्फेसिस ये है कि 22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाए। सर, क्या लगता है जोन 3 जो है जिसकी बैठक यहाँ पर चल रही है उसमें कितनी जल्दी जो है वो धरातल पर चीजें नजर आने शुरू हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल आज हमने किया है, आज प्रेजेंटेशन हुई है, अभी J&K का प्रेजेंटेशन था, J&K ने बहुत कुछ किया है, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, उत्तराखंड ने बहुत कुछ लिया है, हिमाचल ने किए हैं, इसी तरह से जो इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, और ये एक कंसेप्ट नोट हमारी तरफ से बनकर के जाएगा। उसके बाद जोन 3 जो 12 स्टेट्स हैं उनकी मीटिंग होगी, उसमें ये जो है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है गुजरात, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कर रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है, व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट सुटेबल फॉर शॉपिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशंस,
hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. Parking ki uchit suvidha ke saath property mein pani bijli ki bhi koi problem nahi hai. इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439